हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनीत कुकिंग शो। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैं रेगुलरली वीडियो बना करके उसको सारे गैप को मेंटेन कर दूँगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ तैयार हूँ और आज मैं आपको वेज मंचूरियन बनाकर बताऊँगी, जिसको आप चाउमीन के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इस बाउल में डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी, जिसको मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा था। पत्ता गोभी के डाल देने के बाद इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, शिमला मिर्च छोटी बारीक कटे हुए, ये प्याज के तने जो कि अभी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, बीटरूट कद्दूकस किया हुआ एक चम्मच के आसपास, हमारा कॉर्नफ्लावर 4 से 5 चम्मच, इसमें थोड़ा सा मैदा 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी आप ले सकते हैं, और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और ये पेस्ट चिल्ली पेस्ट है जिससे इसको अच्छे से कलर मिलेगा। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूंगी और इसके बाद मैं इसका एक डो तैयार करूंगी पानी की सहायता से। तो डो को बहुत टाइट या बहुत नॉर्मल नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा आटा की जैसा ही तैयार करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, अगर ये थोड़ा गीला रह जाए तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा गीला ही बनाया है क्योंकि इसको डीप फ्राई करना है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये थोड़ा सा भी गीला हो जाता है तो। ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले कढ़ाई को गर्म कर लिया और उसमें मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालना होगा क्योंकि हमें इसको डीप फ्राई करना है। तो अब देखिए, मैंने जिस तरह से गोलियाँ तैयार रखी थी मंचूरियन की, मैं इसको सबको लेकर के फ्राई कर लूँगी। तो मैं इस तरह से सबको फ्राई कर ले रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इस तरह से फ्राई कर लेना है। धीरे धीरे हल्के हाथ से नीचे से पलटेंगे ताकि ये टूटे ना, अगर आपका ये गीला रह जाता है तो। और गीला रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इससे ये सॉफ्ट ही बनता है, तो इस हिसाब से आप इसको हल्का सा गीला रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट इसका डो तैयार नहीं करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। रेड मिर्च के कारण इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा, ये तो आप अदरवाइज आप इसमें फ्रूट कलर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है, अब इसको एक दो करके बाहर निकाल लूँगी। आप चाहे तो इसको टिश्यू पेपर पे एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम सभी को लेकर के निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैं सबको क्रिस्पी बना करके निकाल लूँगी और इसी तरह मैं सारे बैटर को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लूँगी। रिफाइंड ऑयल के पूरी अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन कटा हुआ, इसको मैंने गोल बारीक काट के रखा है, आप चाहे तो इसको लंबे पीसेस भी ले सकते हैं। अदरक का पेस्ट, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी ग्रेवी को तैयार करेंगे, मैं इसमें हल्का ग्रेवी डाल रही हूँ ताकि इसको आप अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो इसके पहले मैंने रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज, तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और प्याज के अच्छी तरह से भून जाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गाजर, जिसको मैंने लंबे पीसेस में काट रखे हैं, शिमला मिर्च के डाल देने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा बीटरूट, जिसको मैंने थोड़ा सा ही लिया है ताकि इसका कलर बिल्कुल फिर चेंज ना हो जाए। और मैं इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूंगी, इसको अच्छी तरह से आपको पका लेना है। आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्जी अभी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, हल्का फुल्का आप इसमें दूसरी सब्जी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी को लेकर बनाएं क्योंकि जनरली यही सब्जियां इसमें यूज़ की जाती है।
तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैं धीमी आंच पे पका रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरह से इसको पकाएंगे। दोस्तों हमें अपनी सब्जी को धीमी आंच पे पकाना है और इसको इतना सा पकाना है ताकि इसका कलर भी मेंटेन रहे और ये हल्का पक भी जाए। और आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जी को ज़रूर से ऐड करें अगर आपको उसको इसमें डालने का मन करे तो। और मैं और भी मंचूरियन की रेसिपी आपके लिए लेकर ज़रूर से आऊँगी जो कि आपको काफ़ी पसंद आया और आप इसको एंजॉय करें। तो ये अभी इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो ये लगभग हमारा दोस्तों हो चुका है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैंने इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर घोल करके इसमें डाल दिया ताकि इसमें अच्छा सा पेस्ट तैयार हो सके, अच्छा सा ग्रेवी बन सके। तो अब मैंने कॉर्नफ्लावर को डाल करके इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये कच्चा ना रह जाए। तो ये हमारा हल्का पक चुका है, मैंने इसको काफ़ी धीमी आंच पे पकाया है। आपको भी बिल्कुल इसको काफ़ी धीमी आंच पे पकाना है। और जब ये पक जाए तो उसमें मैंने प्याज का सग्गा डाल दिया है जो कि इसको तने को कहते हैं। और मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी इसको। मैंने इसमें डाला है रेड चिली प्याज जिसको मैंने घर पे ही तैयार कर रहा है, थोड़ा सा मिर्च कटा हुआ और थोड़ा अपना नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। स्वाद को, नमक को आपको अपने सही स्वाद के अनुसार डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, इस तरह से मैं मिला रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दिया है सोया सॉस, चिली केचप, टमेटो केचप, काली मिर्च का पाउडर और मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कॉर्नफ्लावर को धीमी आंच पे पकाऊंगी ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना लगे और इसमें तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तो इस हिसाब से इसको थोड़ा सा हल्का सा पकाते रहना है और इसको हमेशा आपको चलाते रहना है ताकि यह जब उबाल आए तो ये चिपके ना, और इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। आप इसको चाहें तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं और उसके अपना अगर आप ना चाहें तो इसको कम ही रख सकते हैं। तो अब मैंने इसमें मैंचूरियन को ऐड कर दिया है। मैंचूरियन भी थोड़ा सा ग्रेवी को सॉक्स करेगी तो इस हिसाब से आपकी ग्रेवी ऐसे भी कम हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। मैंने इसको थोड़ा सा जला लिया है तो अब मैं इसको सर्व कर सकती हूँ। दो चार उबाल आ जाने के बाद ये देखना है कि मैंचूरियन इसी तरह से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। ऑनियन के पत्तों के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये बनकर तैयार है। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।